अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और जिस जल्दी जल्दी से मेरा चैनल लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जिसने नहीं किया वो भी जल्दी जल्दी से करें। और अच्छा भाई, मैं आपको एक सैड न्यूज़ बताने वाली हूँ। तो क्योंकि पता नहीं क्या, दोपहर को मैंने ना जब बच्चे आए स्कूल से तो मैंने किया चूल्हा ऑन, मैंने कहा चलो मैं ना बच्चों को खाना बना के देती हूँ, लेकिन गैस नहीं आ रही थी। मुझे लगा शायद पीछे से ही नहीं आ रही है, क्या मसला है कि वो जो डेली की जाती है चली गई होगी। अच्छा, अब फिर मैंने शाम के टाइम, मगरिब हो रही है, अब फिर मैंने शाम के टाइम मैंने चूल्हा ऑन किया तो कुछ भी नहीं, सुमन बुकमन, कोई चीज़ नहीं, कोई सुनसान नहीं, कोई ज़र्रा भी नहीं आ रही। और मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों ने कहा था नूडल्स बना दिया, और नूडल्स का पानी जो था मैंने चूल्हे पर रखा हुआ था। तो जब मैंने नीचे पता किया जाके, और साथ मेरे उबैदा लोग हैं उनसे अली के दोस्त के घर पता किया, तो उन लोगों की तो गैस आ रही थी। तो मुझे पड़ गया शक, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ क्या था। और ये हमारी सैड न्यूज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा गैस। ये देखें, बिल्कुल चूल्हा बंद, कोई शूसा कुछ नहीं। ये बच्चों के लिए मैं बना रही थी, बनाने थे नूडल्स, पानी मैंने डाल के रखा हुआ था, वैसे ही पड़े हुए हैं। तो अभी मैं नीचे जाके भी दिखाती हूँ आपको कि हुआ क्या है हमारे साथ। और हैदर साहब जो ना वो इधर बैठे हैं, टीवी देख रहा है बैठा। तो मैं अभी ना नीचे से होके आती हूँ, अभी गली में कोई भी नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या मसला क्या हुआ है। तो अभी मैंने इनके बाबा को बताया है, तो कहना चलो ठीक है करवाते हैं जमा बिल। तो मुझे कह रहे थे देखो लीवर शीवर तो नहीं उसका हुआ हुआ। अब जब मैं नीचे आई ना तो मैंने देखा ये जी इधर लगे हुए हैं 2 मीटर, ये देखें, ये इधर था एक, ये और एक इधर लगा हुआ था जो कि नहीं है अब। ये नीचे वालों का है, ये साथ वालों का, और ये था हमारा, ये नहीं है भाई। अभी मैंने उनको गुड न्यूज़ सुनाई है कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। तो अभी आते हैं ना बाबा, हम बाबा से भी पूछते हैं कि ठीक हो गया। चलो अब आप बैठो, मम्मा नमाज पढ़ लें ठीक है। चलो आप बैठो, टीवी देखो, मम्मा लाइला कर ले, सही है। सालन वैसे शुक्र है हमारा आज पड़ा हुआ है, रोटियां वगैरह मंगवा लेंगे। तो जी बाबा बाइल, अच्छा चलो आप बैठो, मम्मा लाइला पढ़ लें। क्या इससे बनाऊं क्या? काका क्या, काका भी पाएगा, वीडियो बनाओगे कैसे? नहीं बन रही। वाह, हैदर भी व्लॉग बना रहा है, वाह जी वाह, मेरा बेटा तो व्लॉगिंग करने लग गया है ना। शूज दिखाने, और नहीं शूज क्या करने, मम्मा के दिखा के। हाँ बैलून दिखाओ, चलो सही है ठीक है। मम्मा लाइला पढ़ने, फिर बाबा आते हैं ना, बाबा से भी जी दो दो हाथ करते हैं जरा। भाई फौजे मेरी माशाल्लाह आ गई हैं ट्यूशन से, और बच्चों को मैंने एक सैड न्यूज बतानी है। आप लोगों को बताऊं मैं सैड न्यूज़ क्या है? जो गैस नहीं ना आ रही हमारी, मीटर कट गया है। हाँ जी, कैसे है ही नहीं है वायर मीटर है। हाँ जी, अब लगवाना पड़ेगा नया। बाबा ने पता क्या, क्योंकि 2/11/12 तारीख को आखिरी तारीख होती है, डेट होती है बिल की, तो 2/1 तो बाबा ने जमा ही नहीं करवाया कि चलो जब सैलरी आएगी करवा दूंगा। जब सैलरी आती थी तो बाबा को याद ही नहीं रहता था, और जब जी एक महीना, तो मेरी बात सुनो, एक महीना तो हम रहे उम्रे पे ठीक है, तो दो जो महीने थे ना 3 महीने हो गए, और अब भी बाबा ने कहा था चलो जब सैलरी आएगी ना तब मैं करवा दूंगा जमा। सैलरी आएगी? हाँ जी, और उन्होंने कोई नोटिस वगैरह भी नहीं दिया, और काट के ले गए, यानी उतार के ले गए हैं मीटर। मैंने दोपहर को मैं कह रही थी ना गैस नहीं आ रही, तो मैंने गैस नहीं आ रही, तो जब मैंने अभी मैंने फिर चेक किया तो कोई सूसां कुछ नहीं हो रही। फिर मैं नीचे गई, मैंने आप ही से पूछा है जब आप लोग ट्यूशन चले गए थे। हाँ उनकी फुल आ रही थी, कहती 2 बजे मैंने रोटी बना के दिए बच्चों को, तो तब तो आ रही थी, उसने इनको रोटी बना के दिए। अच्छा मैंने कहा अच्छा हमारे नहीं है, फिर मैंने उबैदा भाई की मम्मा को मैसेज किया, मैंने कहा आप क्या रही है? कहती हाँ जी हमारे भी कम आ रही है लेकिन थोड़ी है। अच्छा फिर मैंने बाहर से मैं देखने लग गई ना, तो बाबा को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा बिल वगैरह कहते हुए सैलरी का मैं वेट कर रहा हूँ ना, तब इकट्ठा ही जमा करवाऊंगा।
तो जब वो जी बाबा कहते लीवर शिवर बंद होया होगा, जब जब जाके मैंने देखा एक मीटर है ही नहीं है, फिर मैंने आके उनको बताया, तो अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल वो मीटर लगा जाएंगे, वो कहते कल लगा देंगे। और पहली दफा हमारे साथ ऐसे हुआ है जिंदगी में जब से हमारी शादी हुई है ना, है वही जो अभी उतार के गए वो लगा, हाँ शायद वही लगा के जाए। तो उन्हें मीटर का करना क्या है? मीटर है ही नहीं है, मैं आपको वीडियो में मैंने वीडियो बना के लाई हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मीटर है ही नहीं है। मोए मोए हो गया ना, क्या करो। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, आ गए हो सरकार, आपके लिए गुड न्यूज थी। वैसे मैंने मोबाइल में वो मैसेज में बता दिया था इनको, तो मियां साहब मैंने बच्चों को भी बताया है आपने किया क्या है। नहीं हुआ, नहीं याद रहा है, ये अच्छी बात तो नहीं है ना, वैसे फर्स्ट टाइम हमारे साथ, और उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया, और पता नहीं कब दोपहर को, हालांकि मैंने चूल्हा नहीं जलाया, दो बजे जब बच्चे आए ना ढाई बजे तब जलाया, तब नहीं आ रही थी, मुझे लगा शायद वैसे ही है, तो शाम को भी नहीं आ रही थी, मुझे शक पड़ा वैसे, तो अब पता चल गया ना नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। हाँ तो अब बाबा को देखे डबल सजा मिली है, बाहर से चीजें खाने के लिए और बच्चों की मौजें लग गई है, भाई फ्राइज खाई जा रही हो। वो कल मैंने कह दिया, वो कहता जी कल लगा देंगे टेंड और चिट्टी टेंड। चलो कोई बात नहीं, लेकिन करवाना चाहिए ना, ये हमारी मिस्टेक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि टाइम से ही करवा दें, तो अच्छी बात है। वाह जी वाह, माशाल्लाह पकौड़ियाँ भी आ गई हैं और शवारमे भी आ गए हैं, अब बाबा का डबल खर्चा हो गया। चले भाई देखते हैं कल, फिर बाकी जो है ना व्लॉग जो है मैं कल दिखाऊंगी, जब हमारा मीटर लग जाएगा दूसरा, तो फिर मैं उसमें वो भी इसमें ना डालूंगी, साथ मिक्स कर लूंगी। ये हैदर क्या कर रहा है? वो क्लिप्स जो है ना वो भी मैं इसके साथ ऐड करके ना फिर मैं लगाऊंगी व्लॉग। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हमने बाबा के साथ फड्डा नहीं लगाया ना, अच्छी बात है। कि क्यों नहीं आपने जमा करवाया, हम लड़े नहीं है बाबा के साथ, आंदे सारी थोड़ा सबर कर लो, फिर तुम भुख लग जानी है थोड़ी देर बाद ही। चलो ठीक है, फिर बाद में कल भी दिखाऊंगी, ठीक है। भाई फौजे जो है ना अब चूल्हा लेने गई है, हमारा जो ना इसके पापा कुकिंग करते होते हैं वो हमने चूल्हा रखा हुआ है ऊपर सिलेंडर वाला, तो अभी हम लेने जा रहे हैं वो, अभी आपको दिखाते हैं। हमारी साहब कितने चल रही है, खुली क्यों नहीं है, नासा में बांध दे रही है वहाँ, ये खुलती तो है, क्या से खुलती है भाई, मेरा पुत कह रहा सी लाइट जल जाएगी, फ्लैश लाइट खुल गई है, चलो लाइट ऑन करो, इसकी भी लाइट ऑन करो। ये हमारी मोंटी साहबा देखे जरा, वो चला रहा है। ये हमारा सामान चेक करें, अभी मैंने टची वगैरह ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से ना कपड़े वगैरह निकालती हूँ सर्दियों के, साथ साथ गर्मियों के जो यूज कर रहे हैं ना वो रख रही हूँ, तो ज्यादा एक दिन में काम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके हम काम करते हैं। चलो जी चूल्हा चुकी है पुत, चले भाई हम चूल्हा लेके जाते हैं नीचे, और फिर दिखाते हैं इस पे चाय बनानी है मैंने। बाबा की तबीयत नहीं ठीक, चौधरी साहब वो कह रहे हैं मैंने चाय बना दे। बाबा की तबीयत को क्या हुआ? गला खराब है, और कह रहे थे बुखार हो गया था दोपहर को अभी। भाई चूल्हा वूल्हा हम ले आए नीचे, और ये इसका पाइप उतरा हुआ, ये मैं लगाती हूँ अब, और फिर बनाते हैं इस पे चाय। हमने भी जुगाड़ लगा ही दिया, कोई नहीं गैस वालो, वैसे हमारे ही कसूर था, चले कोई बात नहीं, उन्होंने भी तो करना ही था बेचारों ने। जी ये हमारा पुराना चूल्हा है, मतलब ये है तो वही, हाँ नहीं दिखा रहा आपको, ये मम्मा ने पता नहीं सुबह का ना नूडल्स बनाने थे पानी, अच्छा पानी कैमरे में ऐसा लग रहा पानी नहीं है, मगर है पानी इसके अंदर, ऐसा लग रहा है कैमरे में भी। और ये हमारा है सारा किचन विचन है, तो ये ले जी चूल्हा शूल्हा हमने जला लिया है, सिलेंडर मैंने उधर बाहर को रख दिया है, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय। और हमारा जो स्टैंड है इतना गंदा हुआ पड़ा है, इधर आप पीछे ही रहो, अच्छा ठीक है। नहीं भाई हमने दो स्टैंड रख दिए हैं, एक पहले इसका था उस पर पूरा नहीं आ रहा था सॉस पैन, और दूसरा रख दिया, हवा पड़ रही है, लाला साहब मम्मा के पास खड़े काम करवा रहे हैं साथ, और इधर आप उधर ही रहना, शुक्र है उधर ही गया बाबा के पास, कह रहा था बाबा आया आया बाबा आया आया। पीछे रो, वैसे गैस हमारी इतनी जाती नहीं है, लेकिन कभी एक बार बहुत कम हो जाती है ना, तो फिर ये सही है जुगाड़, रोटियां बनाने के लिए सही है, सालन तो बन जाता है। और ये मेरा स्टैंड जो है ना बहुत गंदा हुआ पड़ा है, ऊपर पड़ा हुआ था मोटी में, ये इनके बाबा जब कुकिंग करते हैं तब इसको हम इस्तेमाल करते होते हैं।
चले भाई ना मैं बना लू चाय और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट व्लॉग, ठीक है। व्लॉग तो यही होगा वैसे, लेकिन अगला दिन इंशाल्लाह शुरू होगा और फिर दिखाएंगे। हमारा जो मीटर है ना वो 8:30 बजे कह रहे हैं आ जाएगा, लग जाएगा आके ना इंशाल्लाह। मम्मा क्या, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखें भाई सुबह हो गई है और शुक्र है अल्लाह का कि 9 बजे हमारा जो मीटर साहब थे ना वो आ गए थे और अभी प्लम्बर को बुलाया उनके बाबा ने, तो मैं दिखाती हूँ बाहर, वो आ गए हैं लगाने के लिए। हमने दूसरा सिलेंडर यूज कर रहे थे, वो काका भी उठ गया आज। काके के बाबा जो है ना वो नहीं गए, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, उन्होंने छुट्टी की थी और एक दो काम भी थे वो भी करवाने थे ना काके। क्या हुआ है? बाबा कॉल आ रही है। अच्छा आपने नहीं पिक करनी? अच्छा नहीं जी, चूल्हा साफ मशाला चल गए और साफ करने वाले हुए हैं मेरे ये बर्नर शर्नर, तो ये वाला चला के देखते हैं। ये भी चल गया, शुक्र है। चलें जी, अब आप लोगों ने कोई गलती नहीं करनी, ठीक है, और अब हमें भी पता चल गया और इंशाल्लाह साथ के साथ हम बिल जमा करवाते रहेंगे। तो हम भी ना क्योंकि बस डिले होता रहा है, हालांकि इतना बिल होता नहीं था, वो करते कराते तो 1000 अब ले लिया है वो उन्होंने मीटर लगाने, वो जो दूसरा सॉरी मीटर तो आ गया था, ये जो प्लम्बर आया है उसने 1000 लिया है। अब 17000 हमने पे किया है, 16 का बिल था बना 4 महीनों का और 1000 जो है वो हमने ऊपर दिया है, और अब मजे का हमें ना मजे की वो गैस लगेगी। चले भाई, ये इतना सा छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैंने बनाना है अभी नाश्ता।